हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आज बात करते हैं इथर कनेक्ट के बारे में। इथर कनेक्ट के काफ़ी अपडेट्स भी आए हुए हैं और इसका एक और कॉइन आया है जिसका नाम है पांडा INU। ठीक है ना, आज तारीख है 6 अगस्त। ठीक है, और आपको भी पता है इथर कनेक्ट जो है ECC स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है, कि मतलब अगर आप इस सिस्टम में ज्वाइन होते हैं तो आपको ECC मिलेगा और वो हो जाएगा स्टेक। ठीक है ना, मिनिमम ज्वाइनिंग यहाँ पे $50 से है। सिस्टम आपको पता ही है कि अगर आप इथर कनेक्ट को ज्वाइन करते हैं उसके बाद चाहे EIFI लें चाहे पांडा INU लें, तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए पहले बात कर लेते हैं इथर कनेक्ट की, फिर उसके बाद बात करते हैं पांडा INU की, फिर बात करते हैं EIFI के। ठीक है, क्या सिस्टम है, कैसे काम करता है, कैसे इनकम जनरेट होता है, और सबसे बड़ा लॉजिकल बात यह है कि लोग सीधे सीधे EIFI लेना चाहते हैं और पांडा INU लेना चाहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट ये है कि अगर आप डायरेक्टली इसमें एंटर होते हैं ना, तो एक तो पहली बात ये आपको कॉस्टली मिलेगा, मतलब महंगा मिलेगा। ठीक है, और एयर ड्रॉप का आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा जो कि इथर कनेक्ट के यूजर्स को मिल रहा है। तो आपको बेनिफिट लेने के लिए इथर कनेक्ट ज्वाइन करिए ओनली मिनिमम ज्वाइनिंग से $50 से। ठीक है, अगर आप $50 से ज्वाइन करते हैं तो आपको मल्टीपल बेनिफिट है, आपको एयर ड्रॉप भी मिलता है। ठीक है, और साथ ही साथ में इथर कनेक्ट से भी अर्निंग का, जो स्टेकिंग का इनकम है, लेबल इनकम है, कितने टाइप्स के इनकम है, मैं सारा यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए सारी बात करेंगे यहाँ पे। और तो इथर कनेक्ट के बारे में टोटली आज बात करेंगे बिल्कुल खोल के पेपर पे। तो टोटल सप्लाई इसकी 11 करोड़ की है, आप देख सकते हैं। और ये प्लान जो है 13 फरवरी को आया था मार्केट में और करीब 5-6 महीने हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सिस्टम चलेगा। ठीक ना, अभी 6 महीने हो गए हैं, ऑनलाइन का इंडस्ट्री है, अगर आप एंटर होना चाहते हैं तो आप अपने रिस्क पे इस सिस्टम में एंटर होइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्लान इनकम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मिनिमम ज्वाइनिंग $50 से है, और प्लान का इनकम का बात करें, प्लान इनकम के लिए क्या है कि सबसे पहले मिनिमम जो ज्वाइनिंग है $50 से है। अगर आप सिस्टम में $50 से ज्वाइन करते हैं, यानी $50 से $1000 में अगर आप ID एक्टिवेट करते हैं, तो आपका जो ECC टोकन मिलेगा वो स्टैकिंग पे लग जाएगा, और जो है 10% महीने का मिलेगा और डेली मिलेगा, मतलब जो 10% है वो पूरा महीने भर में मिलेगा। फिर उसके बाद $1001 से $5000 तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 13% मिलेगा मंथली, और जो कि डेली आपको रिसीव होता रहेगा। ठीक है, और $5001 से लेके $10000 तक अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 16% मिलेगा, और जो कि डेली मिलता रहेगा। और $10001 से लेके $1,00,000 तक आप इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे तो 17.5% आपको मिलेगा डेली, मंथली, और डेली बेसिस पे वो मिलता रहेगा आपके इथर कनेक्ट के वॉलेट में या अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद क्या है, जैसे ही आप सिस्टम में एक्टिवेट होते हैं तो आपको एक तो स्टेकिंग इनकम मिलना शुरू हो गया। ठीक है, जो भी मंथली मिल रहा है। फिर उसके बाद क्या है, लेवल अर्निंग यहाँ पे है, लेवल अर्निंग 1 से 10 लेवल तक का इनकम है। डायरेक्ट अगर आप किसी को करते हैं तो उसका 8% आपको मिलेगा, इसी तरीके से 3, 1 ऐसे करते 10 लेवल तक आपको इनकम मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा इनकम ये है कि जो नेटवर्कर है उसके लिए बेनिफिट है, और जो इन्वेस्टर है उसके लिए बेनिफिट है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक बंदा ज्वाइन किया आपके अंडर में, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, आपका लेवल फर्स्ट हो गया, और उससे आपको 8% का अर्निंग होगा। ठीक है, अगर वही बंदा अगर किसी और बंदे को ज्वाइन कराता है तो जितना नीचे जाएगा लेवल, मैंने बता दिया। लेकिन एक प्लस पॉइंट की बात यह है कि जो स्पॉन्सर डेली इनकम इसमें बहुत बड़ा है, कि मतलब जो बंदा आपके साथ में कनेक्ट है 5 लेवल तक, वो जो अर्न कर रहा है डेली, मान लीजिए कोई एक बंदा डेली का 10 ECC अर्न कर रहा है, तो उसका 10% यानी एक टोकन आपको डेली मिलता रहेगा। यानी जो बंदा आपके नीचे ज्वाइन है उसके ऊपर भी आपको अर्निंग मिलेगी। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आप यहाँ पे नेटवर्कर हैं और यहाँ पे नेटवर्क बना के यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं, तो आपका जो भी टीम है जो भी अर्न कर रहा है, तो 5 लेवल तक का जो डेली इनकम हो रहा है वो आपको रिटर्न में आता रहेगा। ठीक है, वो तो बात हो गई थी सीधे सीधे इथर कनेक्ट की बात। ठीक है ना, मदर कॉइन मेन जो कॉइन है ECC ही है। ठीक है, उसके अल्टरनेट कॉइन जो EIFI है और पांडा INU जो आने वाला है वो है, वो तो खैर बहुत ही बड़ा धमाल करेंगे, लेकिन ECC जो है उससे भी तगड़ा धमाल करेगा। उसका रीज़न ये है कि अभी फरवरी में लिस्टिंग लॉन्च होने के बाद सिस्टम आज तक अभी तक लगभग 44 सेंट या 40 सेंट पे लगभग गया हुआ है। ठीक है, तो
हमें इनकम करने के लिए सीधे ईथर कनेक्ट मीडियम को ज्वाइन करते हैं ना, वहाँ से हमको तीन चार प्रकार के इनकम वहाँ से हो गए ईथर कनेक्ट के डायरेक्टली मीडियम से। फिर उसके बाद ये क्वाइन अगर हमें मान लीजिए बाई भी करना है, चाहे एयर ड्रॉप भी लेना है, तो हमें उसके लिए फ़ंड देना है। तो इससे अच्छा कि हम सीधे ईथर कनेक्ट को ज्वाइन करके पांडा INU को ले लें, चाहे EIFI को ले लें। आपको भी पता है कि सिस्टम जो आया था फरवरी में, तो उस समय प्राइवेट सेल भी स्टार्ट हुआ EIFI का, तो 10 सेंट से स्टार्ट हुआ था, आज $14 हो गया। ठीक है, तो आप ज्वाइन करिए सिस्टम को इथर कनेक्ट में, $50 मिनिमम से ज्वाइन करिए, फिर उसके बाद एयर ड्रॉप भी लीजिए, सारे चीज़ का बेनिफिट लीजिए। चलिए फिर देखते हैं, बात करते हैं प्रोसेस की, क्या है प्रोसेस। सबसे पहले आपको क्या करना है, अकाउंट को क्रिएट कर लेना है, यानी साइन अप कर लेना है और वेरीफाई कर लेना है मेल आईडी से। जैसे ही आप ये काम करते हैं तो आपका अकाउंट जो है मिनिमम $50 से आपको क्या करना है, एक्टिवेट करना है। आईडी एक्टिवेट करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आईडी एक्टिवेट होगा, जो भी आपको ECC टोकन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, स्टेक हो जाएगा ऑटोमेटिकली 365 दिन के लिए, यानी एक साल के लिए। फिर उसके बाद क्या है, इनकम नंबर एक में मैंने जो कि बताया, अर्निंग जो स्टेकिंग हुआ है उसके ऊपर जो मंथली अर्निंग मिल रहा है 24 आवर, आप में हर 24 आवर में आपको क्रेडिट होता रहेगा आपके इथर कनेक्ट के वॉलेट में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि आपको जो लेबल इनकम है और स्पॉन्सर्स इनकम है, सारा चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है ना, आप इसको इंस्टेंट विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। नेटवर्कर के लिए है कि बहुत ही तगड़ा है इनकम, जो कि इसमें कुछ लेबल्स दे रखे हैं, जैसे रेसर हो गया, ग्लेडिएटर हो गया, टोरेंडो हो गया, टाइफोन हो गया, साइक्लोन हो गया, ब्लैक पैंथर हो गया, काफ़ी टाइप के इनकम है। यहाँ पे एक टारगेट है कि मतलब आप कंपनी को इतने का बिजनेस देते हैं, इतने $50,000 $1,00,000 का बिजनेस देते हैं, तो आप ये लेवल अचीव करेंगे, तो भी नेटवर्कर के लिए बहुत बड़ा इनकम है यहाँ पे। और इन्वेस्टर के लिए भी बहुत बड़ा है कि वो ECC टोकन से अर्न कर सकते हैं और उसको एयर ड्रॉप भी बहुत बड़ा मिलेगा इस हिसाब से। तो अभी तक हमने जो बात किया वो बात किया ईथर कनेक्ट के बारे में, अब जो बात करेंगे वो पांडा INU के बारे में बात करेंगे, जो कि इसका लेटेस्ट अपडेट है, और इसके बाद EIFI के बारे में बात करेंगे और क्या इसका फ्यूचर हो सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं पांडा INU की। ठीक है ना, पांडा INU में जो है टोटल सप्लाई है, जो टोटल इसके टोकन है 475 बिलियन का है। ठीक है, 475 बिलियन का है, जिसमें कि 60% जो है सेल के लिए जाएगा, उसके बाद 10% एयर ड्रॉप के लिए जाएगा, 20% टीम के पास रहेगा और 10% जो है मार्केटिंग में यूज़ होगा। तो अगर इन सभी को करेंगे आप टोटल, तो ये टोटल हो गया 100%। ठीक है ना, ये हो गया टोटल 100%। और जो 60% होता है इस टोकन का, 60% ये होता है 285 बिलियन टोकन, ये होगा सेल के लिए, चाहे प्राइवेट सेल हो चाहे पब्लिक सेल हो। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं टोकन पांडा का जो सप्लाई है, मतलब सेल किस किस हिसाब से होगा। देखिए, फर्स्ट सेल में इसमें इसका इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो प्राइवेट सेल है वो उन्हीं यूजर्स के लिए है जो इथर कनेक्ट में अपनी आईडी को एक्टिवेट कर रखे होंगे। ठीक है ना, अगर जिन्होंने नहीं किया होगा तो उनको क्या मिलेगा, उनको पब्लिक सेल में जाके बाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, टोटल मैंने बताया 285 बिलियन का सेल होगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखिए, सेल वन में अगर आप आते हैं तो टोटल 200 बिलियन टोकन यहाँ पे सेल आउट होगा। ठीक है, जो कि प्राइवेट सेल होगा। और सेल नंबर टू में जो होगा कि प्राइवेट होगा, लेकिन 50 बिलियन टोकन यहाँ पे सेल होगा। सेल नंबर तीन में आपको प्राइवेट सेल है, जिसमें 25 बिलियन टोकन होगा। और सेल नंबर फोर में जो कि पब्लिक है, वो उसमें क्या होगा, 10 बिलियन टोकन होगा। अगर आप इन सभी को कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 285 बिलियन होगा, जो कि इसका 60% बनता है 475 बिलियन टोकन का। ठीक है ना, तो ये एक सिस्टम हो गया। अब बात करते हैं कि इसका जो सेल किस हिसाब से है। मान लीजिए सेल नंबर वन है जो कि प्राइवेट सेल है, टोटल 200 बिलियन टोकन यहाँ पे आएगा, तो उसका प्राइस जो है टोकन का वो 0.4x 0.50। इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत अप डाउन हो, लेकिन अभी जो जितना अपडेट आया उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और वो जो अपडेट है रिटर्न में है, मैं वो रिटर्न आपके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप रीड कर सकेंगे। ठीक है ना, तो टोकन प्राइस का जो वैल्यूज़ है 0.4x 0.50 सेंट से लिस्ट होगा। ये लॉक हो जाएगा 10 महीने के लिए और 10% पर मंथ के हिसाब से 10 महीने में आपको इसका 100% रिटर्न मिल जाएगा आपके वॉलेट में चाहे अकाउंट में। मतलब डायरेक्टली मतलब ये है कि जो आपको 200 बिलियन आपको टोकन मिल रहा है, सपोज दैट आप $10 से ज्वाइन किए, बाई किए इसको और 100 टोकन मिला, तो वो क्या है कि 10 महीने के लिए लॉक हो जाएगा और पर मंथ जो है आपको 10 टोकन रिलीज हो जाएगा आपके अकाउंट में। ठीक है, तो आप सेल नंबर दो में देखते हैं, प्राइवेट सेल में टोटल 50 बिलियन टोकन आएगा और उसमें जो प्राइस होगी इसके इसके मल्टीपल यानी 2x हो जाएगा। ये जो 50 है इसके बदले क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका लॉक हो जाएगा 5 मंथ, क्योंकि इन इस जो पहला सेल है और दूसरा सेल है ये 5 महीने के बाद होगा।
ठीक है, तो इसका जो ऑलरेडी प्राइस है 2x में होगा, और ये जो है 5 मंथ के लिए लॉक हो जाएगा, और डे पर मंथ जो है आपको 20% मिलेगा। इस हिसाब से जो 5 महीने का अंतर होगा, 20 × 5 = 100, आने वाले 5 महीने बाद, जैसे ये फर्स्ट वाला 10 महीने के लिए लॉक है और ये 5 महीने के, तो ये 5 महीने बाद ही इसको प्राइवेट सेल को लेके आएगा ना, और जो 5 महीने रिमेनिंग रह जाएगा उसमें ये 20% के हिसाब से 100% डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब बात कर लेते हैं सेल नंबर 3 की। सेल नंबर 3 में क्या है, 25 बिलियन टोकन मार्केट में आएगा, जिसमें उसकी प्राइस हो जाएगी 4x हो जाएगा, जो यहाँ पे 100 था तो इसका कितना हो जाएगा 200, और ये लॉक हो जाएगा 2.5 मंथ के लिए, और 40% पर मंथ आपको रिलीज होगा। ठीक है, अब पब्लिक सेल की बात कर लेते हैं। टोटल यहाँ पे 10 बिलियन का सप्लाई होगा, जिसमें से कि टोकन का प्राइस जो होगा 10x हो जाएगा, यानी कि 200 था तो ये 500 हो जाएगा। ठीक है, और ये लॉकिंग पीरियड हो जाएगा 1 महीने के लिए, और रिलीज़ होगा 100% एक ही महीने में। जो भी टोकन आपको मिलेगा वो एक ही महीने में रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, पब्लिक सेल में। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप इथर कनेक्ट में ज्वाइन होते हैं, सपोज दैट आज ज्वाइन करते हैं $50 से, आपको जो भी ECC टोकन मिलता है उसमें, ठीक है ना, और स्टैकिंग के ऊपर जो भी अर्निंग मिलती है, तो अगर यहाँ पे जो एयर ड्रॉप का हिसाब है, एक ECC टोकन पे आपको 200 पांडा INU का टोकन मिलेगा। मीन्स कि अगर आपके पास 200 ECC मान लीजिए आपने ज्वाइन किया, तो आपको जो भी टोकन मिल रहा है वो स्टैकिंग पे लग जाएगा, और स्टैकिंग से जितना आप अर्न करेंगे, मान लीजिए आपके पास 10 रहता है, तो आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 200 टोकन जो है आपको एयर ड्रॉप में यहाँ पे रिसीव होगा, यानी एक ECC पे 20 पांडा INU टोकन आपको मिलेगा। तो ये ओवरव्यू हो गया पांडा INU के बारे में। हल्का सा मैं जूम कर देता हूँ, तो ये पांडा INU का हिसाब किताब हो गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं, बात करते हैं क्या है सिस्टम। आप इसको पांडा INU से भी बाई, मतलब कि इथर कनेक्ट के मीडियम से भी बाई कर सकते हैं, और उसमें अभी भी उसका टाइमिंग दिखा दिया कि 11 दिन के बाद ये सेल स्टार्ट होगा। तो आप यहाँ पे अगर $10 से भी ज्वाइन करेंगे तो अच्छा खासा 70-80 टोकन आपको मिल जाएगा, बाकी आप अपने रिस्क के हिसाब से यहाँ पे बाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मैं सॉरी, आप जो है कि $10 का बाई करेंगे तो मैं 10 सेंट के हिसाब से कैलकुलेशन बताया था। यहाँ पे प्राइस बहुत ही कम है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है, किस हिसाब से सिस्टम आता है और क्या इसका परफॉर्मेंस होता है। ठीक है ना, प्राइस तो यहाँ पे बहुत कम आया है, इसको देख लेंगे एक बार नेक्स्ट वीडियो में भी कि यही प्राइस है या थोड़ा बहुत मिस्टेक है, तो उसको करेक्ट कर दूंगा मैं। ठीक है, एक ओवरव्यू जो मेरे को पास अपडेट आया था वो अपडेट मैंने आपको दे दिया है यहाँ पे। तो यही आपसे कहूँगा कि आप इथर कनेक्ट में फटाफट ज्वाइन हो जाइए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप उसमें ID को टॉपअप कर लीजिए, $50 से टॉपअप कर लीजिए। वहाँ पे आपको 2-3 बेनिफिट है, पांडा INU का एयर ड्रॉप भी मिल जाएगा आपको, ECC का भी अर्निंग मिल जाएगा, और साथ ही साथ में आपको EIFI का भी एयर ड्रॉप जो अगस्त का मंथ का चल रहा है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और आपके वॉलेट में भी मिलेगा। लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको ईथर कनेक्ट में ज्वाइन होना पड़ेगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं EIFI कॉइन के बारे में। ठीक है, ये कॉइन जो है, आपको भी पता है इथर कनेक्ट वाले मीडियम में जो भी लोग ज्वाइन हुए थे एयर ड्रॉप में, बहुत सारा उनको कॉइन मिला था, और EIFI कॉइन का, और जो फ्री वाले यूजर्स थे उनको भी काफ़ी मिला। तो अपडेट इसका यह है कि इसका विड्रॉल जो है सितंबर के मंथ में अपडेट आ रहा है, और जिन्होंने इथर कनेक्ट के मीडियम से ज्वाइन किया था उनको 2 times जो है विड्रॉल भी मिल चुका है। मैंने वीडियो भी अपलोडेड कर रखा था। और EIFI कॉइन आपको भी पता है जून के मंथ में आया हुआ था मार्केट में, प्राइवेट सेल इसका काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, 10 सेंट से लेकर 14 सेंट तक, $14 तक आज की डेट में चल रहा है, लगभग $15 होने वाला है। तो 10 सेंट में प्राइवेट सेल पे हुआ, वहाँ पे भी कई लोगों ने बाई किया, इनफैक्ट मैंने भी बाई किया अपने कैपेसिटी के हिसाब से, और आज पब्लिक सेल में $14 का चल रहा है। और पैनकेक स्वैप और चाहे इधर कॉइन मार्केट कैप की बात किया जाए तो वहाँ पे अभी ऑल टाइम हाई $390 पे चल रहा था, और अभी 110-120 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आपको भी पता है इसका EIFI का बेनिफिट कितने लोगों को मिला, बहुत लोगों को मिला, चाहे एयर ड्रॉप वाला हो। और सही बात है कि किसी भी सिस्टम में आपको ज्वाइन होना है तो सबसे पहले ज्वाइन हो जाइए। जैसे कि मैं जो ज्वाइन हो गया था इथर कनेक्ट में $28 को हो गया था, हल्का सा छोटा सा रिस्क लेके नेटवर्क करके बहुत बड़ा इनकम वहाँ पे जनरेट हुआ। साथ ही साथ में चाहे एयर ड्रॉप की बात किया जाए, चाहे कॉइन बाई करने की बात हो, सारे चीज़ में हम प्रॉफिट में भी रहे। अगर EIFI नहीं भी होता, चाहे सिस्टम नहीं भी आता, तब भी हम आज की डेट में 4x से 5x इनकम हो चुका है। 10 सेंट पे लिस्टिंग हुई थी, सब कुछ हुआ था, प्लान ज्वाइन हुआ। तो वही चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि सिस्टम में आइए, छोटे से रिस्क के साथ में आइए और सिस्टम को आजमाइए,
हर प्लान स्कैम नहीं होता, और वैसे भी ये सिस्टम जो है कि ऑलरेडी 6 मंथ ऑलरेडी चल चुका है, तो कहीं ना कहीं अपना मार्केट बहुत बड़ा करने वाला है, और पांडा INU का अपडेट देने के बाद ये और भी बहुत बड़ा मार्केट करने वाला है। तो जो लास्ट बात करते हैं वो बात करते हैं EIFI और पांडा INU के बारे में, जो टारगेटेड एक्सचेंज लिस्टिंग है उसके बारे में। PancakeSwap पे लिस्ट होने के लिए ये तैयार है। KuCoin और बाइनेंस और Gate.io और Hobi और क्वाइन बेस पे ये लिस्ट होने के लिए तैयार है, ठीक है। अभी PancakeSwap पे आपको पता ही है लिस्ट हो चुका है लगभग, जैसे ही इसका कंप्लीट लिस्टिंग हो जाएगा उसका और भी बेनिफिट मिलेगा, और विड्रॉल मिल रहा है, आपको भी पता है विड्रॉल जो लोग ले रहे हैं वो PancakeSwap पे जाके स्वैप करने के बाद उनको USDT चाहे BNB जो भी जिसमें वो कन्वर्ट कर रहे हैं उनको वो विड्रॉल मिल जा रहा है, ठीक है। तो इसका बहुत ही बड़ा ICO आने वाला चल रहा है 2021 में ईथर कनेक्ट का कम्युनिटी का, तो इसमें आप बेनिफिट ले सकते हैं और सच में बहुत बड़ा इनकम कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी भी बहुत बड़ा टारगेट लेके आ रही है, और जो ईथर कम्युनिटी में जिन्होंने फरवरी मार्च अप्रैल में ज्वाइन कर लिया कहीं ना कहीं आज बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ से उठा रहे हैं, और आपको भी पता है कि इसका प्रमोशन किस लेवल पर चल रहा है, ठीक है। तो आपको अगर ज्वाइन करना है इथर कनेक्ट में $50 से ID लगाइए, टॉप अप करिए, और चलते हैं अब छोटे से वेबसाइट पे। इसके वेबसाइट पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या सिस्टम है, क्या इसका प्लान चल रहा है, ठीक है। तो चलिए वेबसाइट पे चलते हैं दोस्तों। तो आप ये इथर कनेक्ट की वेबसाइट को देख सकते हैं, और ये वेबसाइट है इथर कनेक्ट का, मेरा ID लॉगिन है। तो यहाँ पे पांडा INU का जो प्राइवेट सेल है वो ओपन हो जाएगा 10 दिन के बाद, ठीक है, और इसका एयर ड्रॉप का स्नैपशॉट होगा कब, 55 दिन के बाद, लगभग 2 महीने के बाद। तो आपको पता है कितना बड़ा बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है टोकन्स में, आपको भी पता है, मैंने यहाँ पे बताया भी था कि टोटल एयर ड्रॉप में जो 10% टोटल जो टोकन है उसका 10% यहाँ पे सप्लाई होगा। तो 10% का मतलब है जो भी यहाँ पे 10% बनता है, ठीक है, टोटल जो सप्लाई है 475 बिलियन का, यानी कि एवरेज 4 बिलियन का ही बनेगा आई थिंक, तो इतना जो है एयर ड्रॉप पे ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये तो हो गया इसका बहुत बड़ा बेनिफिट, और आपको भी पता है किस लेवल पे इसका प्रमोशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो फटाफट आप ज्वाइन करिए सिस्टम में, और सिस्टम में ज्वाइन में होने के बाद, ठीक है, इसका एयर ड्रॉप लीजिए, बेनिफिट लीजिए, और मिलते हैं आपको किसी दूसरे वीडियो में। तब तक सी यू सून एंड गुड लक एंड गुड बाय।